हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू ट्यूटर फिर से हम ईडीएम्स की एक और छोटी सी वीडियो लेकर आए हैं जल्दी से आपको कराने वाली क्विक रिवीजन की तरह क्योंकि हमारे पास वैसे ही टाइम कम है मैंने आपको पहले भी बताया था तो इसीलिए फटाफट से आपको रिवीजन करवाने के लिए इंपॉर्टेंट ईडीएम्स आज हम फिर से लेकर आए हैं तो सबसे पहले ईडीएम आपका क्या कहता है अ अ डाइम डजन देखिए पहले थोड़ा सा क्लियर कर लेते मीनिंग डाइम इज अ काइंड ऑफ अ पेनी ठीक है एक ऐसी पेनी देखिए एक एग्जाम्पल समझने की कोशिश कीजिए जैसे डॉलर है ठीक है तो हमारे लिए इंडियन रुपए में अगर हम उसको कन्वर्ट करें तो पैसे थोड़े ज्यादा ही बनते हैं ना ठीक है ना, ना? एक डॉलर का कुछ ज्यादा ही रुपीज बनते हैं तो वही चीज है अ अ डाइम डजन पर अगर हम इसको कॉमन रूटीन में यूज करने की कोशिश करें तो आंसर एक्चुअली ये बनता है समथिंग विच यू कैन गेट इन अ क्लिप मतलब फ्री का है और आपको बहुत ही इजीली मिल जाता है फ्री का इन द सेंस कि कोई चीज इतनी कॉमन है जो आपको मिल सकती है जैसा कि मीनिंग कहता है समथिंग कॉमन एंड इजी टू गेट जो कि हमारे रूटीन लाइफ में भी होता ही है घर बैठे आपको चीजें जब मिल जाती तो वो इजी लगती हैं ठीक है बाहर जाके मेहनत करनी पड़ती है पर यहाँ पे अब इजी मिल रहा है तो ये वही होता है ठीक है तो घर बैठे जो चीजें मिल रही है तब आप ये वाला इडियम यूज कर सकते हो डाइम अ डजन नेक्स्ट जो इडियम आता है इट से मिड नाइट ऑयल अरे भैया ये तो यहीं से कर, क्लियर हो रहा है कि कितनी मेहनत हो रही है अब बोर्ड के पेपर हो चाहे आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम के हो दोनों जगह में एक ही चीज आने वाली है कि मिडनाइट का जो ऑयल है वो तो बर्न हो गई होगा हमें भी उल्लू थोड़ा सा बनना पड़ेगा पर वाइज वाला ठीक है वाइज आउट तो इसलिए जो इसका मीनिंग निकल के आता है दैट इज वर्क और स्टडी हार्ड ठीक है जब आप कड़ी मेहनत करते हो दिन रात एक कर देते हो तब ये वाला ईडीएम आपका यूज होता है ठीक है नेक्स्ट आता है स्टिक टू वंस गन्स देख रहे हो आप पिक्चर कैसी है दोनों में से कोई भी रुकने को तैयार नहीं है सब अपना पॉइंट बताना ही बताना है तो यही मतलब निकल के आता है व्हेन यू आर डिटर्मेंड और व्हेन यू रिफ्यूज टू चेंज जब आप चेंज होने की कोशिश नहीं करते हो तब ये वाला ईडियम आता है ठीक है नेक्स्ट ईडियम जो आता है इट सेज एट विट्स एंड देखिए पहले तो मैं आपको मीनिंग क्लियर कर देती हूँ विट का मतलब होता है काइंड ऑफ सेंस ऑफ ह्यूमर ठीक है ह्यूमर एक तरह से आ जाता है तो हम कपिल शर्मा शो तो हम सारे ही देखते हैं वो ही चीज है अगर वो विटी ना हो तो फिर क्या बात हो और अगर विट एंड पे आ जाए इसका मतलब ह्यूमर खत्म हो गया सेंसेस खत्म हो गई है दिमाग जलना बंद हो गया है इसीलिए मीनिंग निकल गया डजेंट नो वॉट टू डू मतलब जब आप पजल हो जाते हो आपको तो पता ही नहीं क्या करना है तब ये वाला आइडियम यूज होता है वीडियो जो इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट अरे भैया ये तो बहुत है फोर व्हीलर ठीक है बैंड kind of अब उसके ऊपर बैंड बाजा लगा दिया जाए तो शादी वाली बात से कम तो नहीं होगा ठीक है तो अगर घर के बाहर से बारात निकल रही हो तो सबका मन करता है हम भी थोड़ा सा ढोल पे नाच ले पर 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 बात ये नहीं है कि हम ढोल पे नाच रहे बात ये है कि हमारा भी मन करता है टू फॉलो द ट्रेंड और यही इसका मीनिंग निकल के आता है टू ज्वाइनिंग द ट्रेंड जैसे कि ये अपने काम करने जा रहा है और बाकी सब भी भीड़ छाल में चल रहे हैं मतलब वो फॉलो कर रहे हैं ट्रेंड को ठीक है नेक्स्ट इडियम निकल के आता है इट ओवर स्पिल्ट मिल्क देखिए ये ऐसी चीज है जो अगर हम बात करें आज के एरा में ये होती ही होती है इसका मीनिंग पहले देख लेते हैं कंप्लेनिंग अबाउट अ लॉस और अ फेलियर ऑफ अ पास्ट जैसे कि यह बैठा हुआ है तो मेनी टाइम्स ऐसा हो जाता है कि कभी कभी हमारा अगर एग्जाम नहीं भी क्लियर हुआ होता है या पीछे काफी साल अगर रेगुलर बेसिस पे हो जाते हैं क्लैरिटी नहीं मिल पाती है तो हम थोड़ा सा मायूस हो जाते हैं और तब ये वाला ईडीएम यूज किया जाता है पर 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 जिंदगी ऐसे नहीं रह सकती है तो आपको क्राई करना बंद करना होगा और आगे बढ़ना होगा ठीक है तो अपने अंदर जोश भर लीजिए क्योंकि जो हम वीडियोस लेकर आ रहे हैं ना उससे आपकी तैयारी डेफिनेटली होने वाली है और आपका एग्जाम तो क्रैक होकर ही रहेगा नेक्स्ट जो ईडीएम बहुत इंपॉर्टेंट आता है दैट इज नो द रोप्स अब रोप क्या है एक तरह की रस्सी है ठीक है अब जिस रस्सी के सहारे आप चल रहे हो जिस तरीके से आप कंपेटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो जो मेथड ले रहे हो उसकी आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन पता भी है है कि नहीं यही निकल के आता सेज टू अंडरस्टैंड द डिटेल्स अगर आप कंपेटेटिव एग्जाम के लिए जा रहे हो या अगर आप यूजीसी के लिए भी जा रहे हो नेट के लिए जा रहे हो कहीं पर भी जा रहे हो कोई भी एग्जाम दे रहे हो अपार्ट फ्रॉम योर करिकुलम ठीक है जो नॉर्मल ग्रेजुएशन के लिए आप जाते हो उसके अलावा तो उनके लिए जो तैयारी कर रहे हो उसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं उसकी थोड़ी सी डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन करनी जरूरी है इसलिए जब ऐसी चीजों की देखिए व्हाइट एलिफेंट तो हमने देखा ही है पर एक ऐसी चीज है जो बहुत ही रेयर है यूजुअली कौन से होते हैं ग्रे में होते हैं एलिफेंट्स राइट ठीक है पर अगर हम देखो इसको मैं एग्जाम्पल की तरह आपको समझाना चाहूं तो ये एक एग्जाम्पल है एक एंटिक पीस है समझो एक एंटिक पीस में लेकर आ गयो, पर मेरा कोई भी इंटरेस्ट नहीं है उस चीज में ठीक है मैंने एक्सपेंसिव चीज खरीद तो ली है पर मेरे काम की नहीं है इसको मैं क्या करूं खरीद लिए देखने में सुंदर तो बहुत है जैसे हमें बड़ी आदत है हम लोग एग्जीबिशंस में जाते हैं ना तो अरे लाइटिंग के साथ सारी चीजें चमक रही होती है और हम लोग कहते हैं ये भी ले लो हमारे घर में भी चमकेंगी पर पर बुद्धू बन के हम वो चीज ले तो आते हैं घर पे पर उसका यूज क्या है कुछ भी नहीं यही चीज करते हैं हम वाइट एलिफेंट ठीक है तो अगली बार ध्यान रखना ऐसा कुछ मत करना जो चीज यूजफुल हो वही लेना ठीक है वैसे भी आज के जमाने में महंगाई बहुत हो गई है तो देख के चलिए नेक्स्ट कहते हैं ऑन द आइस अरे ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कुछ ऐसा है जो आपके अगर मैं बात करूं ना प्रैक्टिकल फील्ड में वो यूज होता है देखिए अ पर्सन इज बींग स्क्रूटनाइज इसका एग्जैक्ट मतलब यही है व्हेन यू आर ऑन प्रोबेशन पीरियड तो अगर मैं प्रैक्टिकल फील्ड की बात करूं तो अगर आप वहां पे जाओगे तो फर्स्ट मंथ हमेशा मोस्ट ऑफ द कंपनीज में या फैक्ट्रीज में यही रहता है कि यू यू आर देयर ऑन द प्रोबेशन पीरियड मतलब एक भी गलती हुई आपसे यू विल बी चक्ड आउट तो यू आर ऑलवेज ऑन थिन आइस ठीक है नेक्स्ट आता है ईडीएम विच हेल और हाई वॉटर्स देखिए आप एक बात समझने की कोशिश कीजिए अगर आप समुद्र में जा रहे हो क्या आप टाइड्स को रोक सकते हो नहीं रोक सकते हो जिस चीज ने आना है वो तो आना ही है तो इसी का ये मीनिंग निकल के आता है पॉसिबल ऑब्स्टेकल्स इन द पाथ तो अगर मैं प्रैक्टिकल होकर बात करूं तो अगर आप जॉब एरिया में भी जा रहे हो तो ऐसा नहीं हो सकता कि इट विल बी अ केक वॉक ऑब्वियसली नॉट ठीक है तो दिक्कतें तो आएंगी ही आएंगी पर उस दिक्कतों को जंप करके आप अपना पाथवे कैसा बनाते हो ये आपकी कैपेबिलिटी है तो उसी के लिए ही हम आपको तैयारी करवाएंगे आपने हमारे साथ बने रहना है ताकि आपकी एबिलिटी इतनी अच्छी हो जाए कि वो आपको ऐसे हायर करें और आपका प्रोबेशन पीरियड भी सही से निकल जाए ठीक है? Next idiom है, it says to be in doldrums. तो डॉल्ट्रम का मतलब सबसे पहले समझो वेन यू आर इन योर लो स्पिरिट्स ठीक है जब आप बहुत बोर हो रहे हो कुछ करने को नहीं है जो कि हमारे 2020 ईयर ने हमें सबको ही दिया है कोविड आ गया था बोर हो गए थे इतने मंच घर बैठना पड़ता है स्पेशली द मैन तो ये वही चीज थी पीपल वर इन लो स्पिरिट तो यही सबकी शक्लें बन गई थी हम कहां जाए कब बाहर जाएंगे कब रेस्टोरेंट्स ओपन होंगे सबसे मेन तो यही था क्योंकि घर का भी खा खा के और खुद शेफ बन बन के ना हम सब थक गए थे तो ये वही चीज है ठीक है नेक्स्ट तो sit ऑन दी फेंस to sit ऑन दी फेंस का मतलब होता है इधर यू आर बींग न्यूट्रल देखो दो मीनिंग निकल के आते हैं और में में आपको दोनों मीनिंग नहीं, simultaneously देंगे, दोनों नहीं देंगे, से एक दिया गया होगा तो समझने की कोशिश कीजिए जब आप फेंस पे बैठे हो, obviously, या तो आप न्यूट्रल हो गए ठीक है या तो आप इसकी साइड लोगे या फिर आप उसकी साइड लोगे पर कभी कभी ऐसी मन जाती हैं, फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट थ्री पीपल ठीक है सी तो अगर ए और बी का झगड़ा हुआ है तो सी तो फंस गया अब सी को क्या होगा वो हेजिटेट हो जाएगा कि मैं ए की साइड लू या बी की साइड लू यही चीज है तो मेनी टाइम्स यू बिकम हेजिटेंट और मेनी टाइम्स यू हैव टू एक्ट एज न्यूट्रल पर्सन ठीक है देन इज द टाइम वेन यू यूज दिस ईडियम विच सेज ऑन द फेंस ओके नेक्स्ट ईडियम जो आता है विच सेज कीप वन एट बे ओके okay, अब ये बे बी ए वाई वाला है ठीक है which says, keep someone at distance. तो हमारा कोविड तो चल ही रहा था ये सब ने तो प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया है कि भाई डिस्टेंस बना के रखो दूरी बना के रखो विच इज क्लियर विद द सेम इमेज एज वेल ठीक है तो दूरी तो बना के रखनी पड़ेगी दूरिया भी है जरूरी ठीक है Next stadium, uh, कहता है, ऑन ग्रेप फाइन देख ग्रेप फाइंग का मतलब ही अपने आप में होता है र्यूमर्स फैलाना ठीक है तो उसका मीनिंग यही निकल कहता है, Hair rumors अबाउट समथिंग और someone. फॉर एग्जांपल स्कूल टाइम में भी ये चीज होती थी कि आपको कोई चीज एक खबरी होता था ना जो बोलता था चीजें आके कोई चीज है तो अगर आपको कहीं से कोई इंफॉर्मेशन सुनने को मिलती है तो जिसके बारे में इंफॉर्मेशन होती है या जो कोई इंटरेस्टेड हो जाता है ना वो बात सुनने के लिए तो वो आपसे यही पूछता है कि तुमने कहां से पता लगा ये चीज ये बात कहां से आई वो सोर्स कौन है तो फिर आप लोग क्या कहोगे आई हर्ड इट ऑन द ग्रेप वाइन ठीक है नेक्स्ट जो इडियम आता है इट से रे घूम फिर खुद को ही फांसी लगा दे नहीं पर बेसिकली मीनिंग क्या कह रहे हैं जब आप बहुत शर्मिंदा हो जाते हो तो ये यूजली लोगों के साथ होता है जब वो बड़े बड़े कंपिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करने लग जाते हैं और सबको रिश्तेदारों में पता लग जाता है कि अरे वो तो गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है वो तो है और जब क्रैक नहीं होता ना तो बहुत मायूसियत होती है फिर बंदा शर्म के मारे झुक जाता है वही वाली सिचुएशन आ जाती है पर पर हमने पॉजिटिव रहना है हम तो जरूर क्रैक करेंगे ठीक है तो इसका मीनिंग बेसिकली यही निकल के आता है या फिर या फिर एक और सॉरी के लिए भी रिलेटेड हो सकता है जब आप कोई गलती कर दो वो तो हमारे घर में भी है जब जब हमने बहुत बड़ी गलती कर दी तो शर्म के मारे पानी पानी होना तो बनता है तो हमारे पेरेंट्स भी हमें बोल ही देंगे ठीक है तो यही चीज है वॉन्ट टू कलअप एंड डाई नेक्स्ट यूडियम आता है दैट्स द लास्ट ऑफ वेरी 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 इंपॉर्टेंट वन patience सेज रन आउट लास्ट रॉ खुद सोचिए तो अरे है? पर नहीं सही बात है ये पेशेंस कह रहा है कि अब इसके बाद कोई पेशेंस नहीं तो आप इंटेंसिटी देख पा रहे हो कितनी ज्यादा है सो जब आप बहुत ज्यादा फ्यूरियस हो जाते हैं एंड में इसके बाद और कुछ बर्दाश्त नहीं होगा दैट्स द टाइम वेन यू यूज दिस पर्टिकुलर इडियम विद इंटेंसिटी विच से डैच द लास्ट रॉ ओके लास्ट इडियम जो आता है इट से लास्ट स्ट्रॉ अब ध्यान देना दैट्स द लास्ट स्ट्रॉ एक अलग चीज है लास्ट स्ट्रॉ एक अलग चीज है लास्ट स्ट्रॉ कहता है फाइनल प्रॉब्लम इन द सीरीज ऑफ प्रॉब्लम तो हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई पड़ी है बस यही रह गई है तो जब वो भी फिक्स हो जाएगी तो हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो यूजली जो हम सुनते आ रहे हैं ना कि हाथी निकल गया पूछ रहेगी ये वही चीज है ठीक है ठीके? सो दैट वॉज ऑल फॉर टूडे आई होप आपको सारे इडियम्स क्लियर हुए होंगे आपको समझ आया होगा कि कैसे अपनी तैयारी करनी है एंड एंड ट्रस्ट में अगर आप यही इडियम्स कर लेते हो तो तो भी आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी आपकी कंपेटेटिव एग्जाम्स में और अगर आपको ऐसी और इडियम्स की तैयारी करनी है तो प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब और पनीशियर ट्विटर एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज प्लीज फील फ्री टू कंटैक्ट थैंक यू बाय